वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। करण अर्जुन 2 के साथ 90s की एक पसंदीदा जोड़ी सबके सामने वापस आने वाली है। अब सलमान खान और शाहरुख खान के फेम का अंदाजा तो पूरी दुनिया को है ही और इन दोनों का साथ आना मतलब बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचने वाली है। फिलहाल तो दोनों ही खान अपने आने वाली फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं, जहां एक तरफ शाहरुख पठान पर काम कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे भाईजान बिजी है कभी ईद और कभी दिवाली में। लेकिन खुशी की बात तो ये है कि इन दोनों ने इस फिल्म को लेकर एक हिंट दिया है जिसमें उन्होंने साफ इशारा किया है कि इन दोनों फिल्म्स के बाद वो दोनों अपनी डेट्स खाली रखने वाले हैं। लेकिन ऐसा इसलिए है कि इन दोनों के कोलैबोरेशन से कितना फायदा होने वाला है इस बात से तो आखिर कोई भी अनजान नहीं है। साथ ही आदित्य चोपड़ा इस फिल्म को बना रहे हैं तो यशराज बैनर के अंडर बनने वाली फिल्म्स का तो फैंस वैसे भी काफी शिद्दत से इंतजार करते हैं और फैंस को ज्यादा इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। यशराज एक ऐसा बड़ा बैनर है जो कि ग्रैंड सेटअप में फिल्म्स बनाता है, इसीलिए आदित्य चोपड़ा को अभी करण अर्जुन 2 लाने में लग सकता है थोड़ा सा वक्त। लेकिन निराश होने की कोई बात नहीं है, आपको बता दें कि एक और डायरेक्टर है जिनका नाम है AR मुरूपदास, जो कि किंग खान और भाईजान को साथ में लेकर एक फिल्म बनाने का ठान चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने लॉजिस्टिक से लेकर कास्ट तक का पूरा काम खत्म कर लिया है और अब बस वेट है तो सलमान और शाहरुख की डेट्स का। पर अभी तो वो दोनों ही काफी ज्यादा बिजी हैं, लेकिन करण अर्जुन 2 से पहले आ रही इस फिल्म से करण अर्जुन 2 के लिए एक बात तो साफ हो जाएगी कि आदित्य चोपड़ा को अंदाजा लग जाएगा कि लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं या ये एक सिर्फ एवरेज फिल्म ही साबित होने वाली है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब किंग खान मन्नत की छत पर अपने फैन से बात करने आते हैं तो उनके बेटे अब्राहम भी उनके साथ वेव करते हुए नजर आते हैं। बहुत सी स्टार किड्स में से अब्राहम फेमस स्टार किड है और यहाँ तक कि उनके पैदा होते ही करण जौहर ने उन्हें एक फिल्म में कास्ट करने की बात कह दी थी। लेकिन अब हम सबको अब्राहम के बड़े होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर खबरों की माने जाए तो हम सबके प्यारे अब्राहम करण अर्जुन 2 में ही अपना डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। तो प्लान कुछ ऐसा है कि अर्जुन के बचपन के रोल के लिए अब्राहम को फाइनल कर लिया गया है। दोनों की सिमिलर शक्ल है तो लोगों को जवानी और बचपन में सिमिलैरिटीज भी दिखाई देंगी और साथ ही अब्राहम का अलग फैन बेस है जो फिल्म के लिए फायदा लेकर आएगा। वेल, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अब्राहम के डेब्यू से ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो एक्टर ही बनेंगे या नहीं। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।